मैम आशीष किसी काम में बिजी हैं तो सुमित शो कर रहे हैं। अच्छा, लेकिन मैं आपके रिगार्ड जरूर आशीष को भेज दूंगा। आशीष वर्मा ही दिखा रहा है। कोई नहीं मैम, कोई नहीं, वो डायरेक्टर साहब ज्यादा प्यार कर रहे हैं आशीष जी से, इसलिए शायद मिस कर गए होंगे। खैर तो प्रीति मैम क्या करते हो आप, कब से हो मार्केट में, कैसे ट्रेडिंग करते हो या इन्वेस्ट करते हो? मैं कंट्री मैनेजर हूँ एक कंपनी के लिए, एंड आईटी कंपनी है। मैंने स्टॉक ट्रेडिंग शुरू किया था जब मारुति का आईपीओ आया था 2006 में या 4 में, 4 में आया था। हाँ, नहीं 2006 में आया था शायद। हाँ, तब लोग बोलते थे कि मारुति चलेगा नहीं, और 100 कुछ रुपए में स्टॉक आया था और मैंने प्रॉफिट कमा के एग्जिट कर लिया था। उस समय इतना सब हम लोग ऑफलाइन करते थे सेल परचेज, एंड यू नो इट वाज नॉट सो इजी, बट तभी से मेरी जर्नी शुरू हुई है इनफैक्ट। तो मैम ऑलमोस्ट 20 साल आप मार्केट में दे चुके हो। आपने यू नो 2008 का सब प्राइम क्राइसिस, 2012 का कमोडिटी क्रैश, 2016 का नोटबंदी, 2020 का यू नो कोविड, ये सब तो देख लिया। सो अब इतनी ड्यूरेशन में आपकी लर्निंग क्या रही है मार्केट्स को लेके? मार्केट्स को लेके एक चीज तो है मेरा, स्पेशली इफ यू लुक, मतलब मेरा ट्रेडिंग का जो पैटर्न है, मैं दो दो टाइप से ट्रेडिंग करती हूँ, एक मिड टर्म एक लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म में हमेशा कोशिश करती हूँ कि कुछ असेट बिल्ड हो, कुछ वेल्थ क्रिएशन हो। मिड टर्म में कुछ पैसा आ जाए जो इधर उधर खर्च कर लिया जाए, तो ये पॉलिसी रहती है मेरी। एंड लॉन्ग टर्म में मैं ज़्यादा इन्वेस्ट करना चाहती हूँ, बिकॉज दैट इज़ द लार्जर अमाउंट जो मेरा जाता है चंक। ऑलमोस्ट 70% ऑफ माई पोर्टफोलियो लॉन्ग टर्म में रहता है, 30% मैं ट्रेडिंग करती हूँ 5 डे से लेके 3 मंथ्स तक का। तो प्रीति मैम क्योंकि आपने इतने बड़े डिकेड देख लिए मार्केट्स में, एक ही इशू आता है इस लंबी ड्यूरेशन में, रिग्रेट का, कि हमने ये लिया और वो छूट गया, निकल गया, जैसे मारुति आपके केस में था। वो रिग्रेट आपको नहीं होता पुराने पुराने नाम देख के या दाम देख के? आपको पता है आशीष जी, एक चीज हमेशा होता है जब आप शेयर बेच देते हो और सडनली वो बढ़ने लगता है। हाँ, तो आपको लगता है यार मैंने बेचा क्यों इसको, और ये मोस्ट ऑफ द केसेस में होगा। आप देखिए 90% टाइम आप उसको बेच दोगे, राइट? और फिर अगले दिन देखोगे अरे यार ये तो बढ़ गया। बट जो आपने बताया कि इतने सारे 2008 का स्लो डाउन आया, नोटबंदी आई, ये हुआ, मार्केट क्रैश हुआ, अगर आप प्रॉफिट बुक नहीं करोगे और स्क्रीन पे देख के खुश होते रहोगे तो पता नहीं क्या होगा। तो मेरा ये आइडिया रहता है कि प्रॉफिट तो बुक करते रहो, एक परसेंटेज अगर मैं शॉर्ट टर्म करती हूँ तो मेरा एक गोल होता है कि शॉर्ट टर्म में मुझे इतना परसेंट अगर गेन हो गया तो मैं एग्जिट कर जाऊंगी, राइट? ओके, और वो आप कितना लेके चलते हो आमतौर पे? जनरली अगर मुझे एफडी पे मिल रहा है 7%, तो मैं उसको मल्टीप्लाई करना चाहूंगी। अगर मैं 3 मंथ्स का इन्वेस्टमेंट है तो 3 मंथ्स में अगर मुझे 7% मिल रहा है तो मेरा पैसा 4 बार अगर मैं रोटेट करती हूँ तो मुझे 28% मिल जाएगा साल का। तो मैं अगर 3 महीने में जा रही हूँ, अगर मुझे 7% मिल रहा है तो मैं खुश हूँ। मतलब आपने प्रोफेशन के बारे में बताया, आप किसी कंपनी में काम काज करते हो, राइट? जी जी। कौन सी कंपनी मैम? ये आईटी कंपनी है, डेटा सेक्टर में काम करते हैं। अच्छा, वो आपके बॉसेस ने आपको इन्वेस्टमेंट मैनेजर नहीं बनाया उसमें, वरना आपको प्रोफाइल चेंज करके वो इन्वेस्टमेंट में डाल देते आपको। खैर, आपका सवाल क्या है आज? आज सवाल ये है, मेरे पास कुछ स्टॉक्स हैं जो मैंने लॉन्ग टर्म के लिए खरीदा है। जैसे सुजलॉन एनर्जी है, मेरी एंट्री 26 रुपीज में हुई है। RVNL में मेरी एंट्री 246 में हुई है। IREDA में मैंने 182 रुपीज में एंट्री की है। और ऊर्जा ग्लोबल में 30 रुपीज में एंट्री की है। मेरा लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव है, तो मैं ये जानना चाह रही हूँ क्योंकि मैं, चूंकि ये स्टॉक बहुत भाग रहा है तो मैं अभी टारगेट सेट नहीं कर पा रही हूँ। तो मैं कुछ तो प्रॉफिट बुक करना चाहूंगी। तो मैम प्रीति मैम, अगर आप 1,000 शेयर भी सुजलॉन के बेच देंगे तो बाकी तो सारे फ्री के ही शेयर हैं आपके लिए। सारा कैपिटल तो आपको वैसे ही निकल आएगा। खैर, लेकिन राजेश सर की राय इस पर ज़रूरी है लेना। राजेश सर पुरानी निवेशक हैं, बहुत समय से मार्केट को ट्रैक कर रही हैं, तो बहुत कुछ तो ये जानते ही हैं बाजार के बारे में। सुजलॉन, RVNL, IREDA और ऊर्जा ग्लोबल, ये चारों वो नाम हैं जो चले भी सबसे ज़्यादा हैं और खबरों में, चर्चा में सबसे ज़्यादा आजकल यही हैं। क्या करना चाहिए इन चारों में? पहले तो इनको नमस्कार, और मैं बहुत सही बात कहूँ तो बहुत प्रभावित हूँ इनके पदों से, जो इन्होंने कहा कि 7% पे ये घुमा लेती और 4 बार घुमा लिया तो 28% रिटर्न आ गया। और दूसरी जो इन्होंने कही कि आप बेच दो तो बढ़ जाता है, सही है ये, और आप खरीद लो तो गिर जाता है, ये भी सही है। तो ये लगा रहेगा, इसके लिए चिंता नहीं करनी चाहिए। जहां तक स्टॉक्स की बात है, आपने सुजलॉन, RVNL,
ऊर्जा ग्लोबल और एक और कुछ कहा था शायद आपने, आयरेडा, तो जहां सुजलॉन की बात आती है, देखिए इरेडा, राइट, पहले आरबीएनएल और इरेडा ले लेते हैं, तो दोनों रेलवे से जुड़ी हुई कंपनियां हैं और बहुत अच्छा कामकाज कर रही हैं। अब जो करेक्शन इन दिनों देखने को मिल रहा है वो इस वजह का देखने को मिल रहा है कि इतना खासा रन अप इन स्टॉक्स ने देखा था कि वैल्यूएशन स्ट्रेस्ड होते हुए नजर आ रहे थे। अब चूंकि आपकी लंबी अवधि का नजरिया है तो मेरे ख्याल से आप बनी रह सकती हैं, या और भी ज्यादा सेफ्टी खोज रही हूँ तो एक पार्शियल प्रॉफिट बुक कर लें, जिससे कम से कम आपका जो पैसा लगा हुआ है वो निकल जाए और प्रॉफिट का स्टॉक्स बना रहे। सुजलॉन पे आते हैं तो सुजलॉन पे देखिए फंडामेंटली बहुत कुछ चेंज हुआ है। पहले कंपनी में कर्ज का बहुत भार था, अब लगभग डेट फ्री होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि जितने भी कर्ज थे उसके सामने उन्होंने क्यूआईपी से पैसे उठाए, तो नेट नेट डेट फ्री कही जा सकती है। 20 गीगावाट के आसपास की कैपेसिटी है, सब चीजें अच्छी है। लेकिन जैसा आपने भी कहा कि 26 रुपए से चलता हुआ स्टॉक 80 रुपए तक आ गया, तो कहीं कहीं वैल्यूएशन भी देखना पड़ता है। तो इसमें भी मैं यही कहूंगा कि आप अपने जो घर के पैसे हैं वो निकाल लें, बाकी को राइड कर सकती हैं। चौथा, ऊर्जा ग्लोबल की अगर बात की जाए तो वहां मुझे थोड़ा सा डाउट लगता है, क्योंकि कंपनी का कामकाज बहुत छोटा है, बॉटम लाइन कुछ है नहीं। आप वैल्यूएशन देखेंगे तो 450 के पीई के आसपास ट्रेड करता है, मुझे इसमें बिल्कुल भी कंफर्ट नहीं है। अगर कहा जाए तो ये लॉन्ग टर्म के लिए तो स्टॉक बिल्कुल भी उचित नहीं है, आपको कहीं भी उछाल मिले निकल जाइएगा। तो प्रीति मैम, चारों को लेकर राय आपके सामने रख दी गई है और बहुत हद तक आप उससे सहमत भी होंगे ही, कहाँ कहाँ पर आपको निवेश करना है, कैसे कैसे उस पर काम करना है। आगे भी मैं आपसे बातचीत करूंगा और जरा हमारे दूसरे दर्शक से ही बातचीत कर लेते हैं, हुगली चलते हैं। शिप्रा मैम हमारे साथ मौजूद है वहाँ पर। शिप्रा मैम नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। मैम आप कब से हो मार्केट में, क्या करते हो, कैसे निवेश करते हो? मैं तो हाउसवाइफ हूँ, होममेकर, तो आप ही लोगों का इंस्ट्रक्शन फॉलो करती हूँ। ओके। मार्केट में आई हूँ 2018 से, मैं इन्वेस्टमेंट शुरू किया। इन्वेस्टमेंट जो किया था वो सब ठीक ठाक है, लेकिन फिर अभी कोविड के बाद 2 साल से मैं ट्रेडिंग करना चालू किया, ग्रो में। तो उसमें जो मेरा अभी सवाल है कि मेरा पेनी स्टॉक टाइप था बहुत सारे, लेकिन वो चुनाव के नतीजे के पहले उसको जो जो प्रॉफिट में था उसको निकाल करके मैंने अंबर एंटरप्राइज उसमें इन्वेस्ट कर लिया, और एक इलेक्ट्रा ग्रीन टेक, इन दोनों में इन्वेस्ट किया। तो अभी फिलहाल तो वो मेरा लॉस दिखा रहा है, लेकिन जो मार्केट से सब एक्सपर्ट का कमेंट से सुनी हूँ कि ये दोनों शेयर फ्यूचर में बहुत अच्छा करेगा, इसका और ये भी यही सोच के मैं ये दोनों में इन्वेस्ट किया। तो आप लोग सलाह दीजिए कि मैं, तो शिप्रा मैम वैसे तो ये दोनों कंपनियां बहुत अच्छी हैं, चाहे इलेक्ट्रा ग्रीन टेक हो या फिर एम्बर एंटरप्राइजेस, दो कंपनियां अच्छी हैं। लेकिन हाँ, क्योंकि इलेक्ट्रा चला भी बहुत ज़्यादा है, मतलब पिछले 10 सालों में बेस्ट परफॉर्मिंग स्टॉक्स में से इसका नाम भी आता है। बाकी राजेश सर की राय भी लेते हैं। राजेश सर, एम्बर एंटरप्राइजेस 22 शेयर है 4580 रुपये के दाम पर और 200-300 रुपये करीब नीचे इनकी खरीदारी से, और इलेक्ट्रा ग्रीन टेक 21 शेयर है 1814 रुपये के दाम पर, ये भी करीब 200 रुपये नीचे आ गया है। सो कंपनियां तो ऐसे दोनों बेटर हैं, लेकिन आप क्या टेक रखते हो इसको लेकर? जैसा कहा दोनों कंपनियां अच्छी है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। पहले एक एक करके लें तो अंबर अगर आप देखो तो रूम एसी में दिग्गज कंपनी है, करीब करीब 29% का रूम एसी में इनका मार्केट शेयर है, अच्छा कामकाज कर रही है। गवर्नमेंट के पीएलआई स्कीम वगैरह जो आई उनसे इन्हें मुनाफा हुआ, जो भारत मेक इन इंडिया का काव्यात चली उससे मुनाफा हुआ। लेकिन वैल्यूएशन अगर आप देखो तो इस बार 88-90 के पी पे ये ट्रेड कर रहा है, कहीं ना कहीं हमें लगता है कि थोड़ा सा इमीडिएट गेन के लिए इसे थोड़ा लंबा इंतजार करना पड़ेगा। तो अगर आप बहुत लंबा इंतजार कर सकती हैं तो बनी रहे स्टॉक में, वरना उछाल में अगर ये स्टॉक 4800-4900 रुपये तक आता है तो वहां पर एक बार मुनाफा वसूल करके दोबारा एंट्री के लिए आप वेट कर सकती हैं। सेम इलेक्ट्रा ग्रीन टेक की भी बात वही है, एक इलेक्ट्रिक व्हीकल बसेस में दिग्गज कंपनी है, ऑर्डर बुक बहुत शानदार है,
नए ऑर्डर्स आते रहते हैं, लेकिन फिर वही वैल्यूएशन की अगर बात की जाए तो 150 के ऊपर के पी पे ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ भी मैं समझता हूँ कि अगर 1900 1850 के आसपास आए तो एक बार निकल। तो शिप्रा मैम, दोनों स्टॉक वैसे अच्छे हैं लेकिन थोड़े से चले हुए हैं, सो अगर आप समय दे सकते हो तो आप बने रहो इनमें, लेकिन अगर आप समय नहीं दे सकते हो तो कहीं भी तेज़ी मिले आप थोड़ा निकल जाओ, वापस नीचे के लेवल मिले तो आप वहाँ पर एंटर कर सकते हो। लेकिन वैसे कंपनियों की क्वालिटी को लेकर कोई सवाल नहीं, दोनों कंपनियों की क्वालिटी काफ़ी बेहतर है, आप उसके हिसाब से अपनी रणनीति बनाकर चल सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया शिप्रा मैम हमारे साथ मौजूद रहने के लिए, और साथ ही साथ प्रीति मैम आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया अपने एक्सपीरियंसेस हमसे शेयर करने के लिए और हमसे आज बातचीत करने के लिए, सवाल पूछने के लिए। और हर बार की तरह राजेश सर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया दर्शकों के सवालों के जवाब देने के लिए, बाजार पर हमसे बातचीत करने के लिए और रणनीति हमसे शेयर करने के लिए। ब्रेकअप